संत रामपाल एक विवादित भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं जो हिसार केंद्रीय कारावास में आजीवन कारावास की सजा के लिए बंद हैं। यह स्वयं को कबीर पंथ के अनुयायी और कबीर का अवतार बताते हैं। यह सतलोक आश्रम के संस्थापक भी हैं जो कि भारत के हरियाणा प्रांत के हिसार क्षेत्र में स्थित है। संत रामपाल का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के धनाना बस्ती में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इन्होंने अपने शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर बहाल हुए। नौकरी के दौरान ही रामपाल की मुलाकात 107 वर्षीय कबीरपंथी संत स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई और रामपाल उनके शिष्य बन गए। उन्हीं दिनों में रामपाल सत्संग करने में रुचि लेने लगे और संत रामपाल दास बन गए। वर्ष 2000 में रामपाल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और करौदा गांव में सतलोक आश्रम की स्थापना की। संत रामपाल के अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखकर कमला देवी नाम की एक महिला ने करौदा गांव में बाबा रामपाल दास महाराज को आश्रम के लिए अपनी जमीन दान में दी। 1999 में बंदी छोड़ ट्रस्ट की मदद से रामपाल महाराज ने सतलोक आश्रम की नींव रखी। हालांकि इनके गिरफ्तार होने के बाद आश्रम सरकार के कब्जे में है। सन 2006 में स्वामी दयानंद की लिखी हुई किताब पर संत रामपाल ने एक टिप्पणी की जो आर्य समाज समर्थकों को यह टिप्पणी बेहद नागवार लगा, जिससे आक्रोशित लोग रामपाल के करौदा के सतलोक आश्रम पर आर्य समाज के हजारों समर्थकों ने 12 जुलाई 2006 को हमला कर दिया, जिससे एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण दोनों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिससे यह इस विवाद में एक आक्रमणकारी की जान भी चली गई, जिसमें संत रामपाल के विरुद्ध एक केस चलाया गया। लेकिन उनके समर्थकों ने हिसार कोर्ट में बवाल मचा दिया, जिसके कारण हिसार न्यायालय ने केस को हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया था। उस वक्त उच्च न्यायालय के बार बार बुलाने पर भी रामपाल हाजिर नहीं हुए थे। हमेशा बहानेबाजी करके बचते रहे। रामपाल समर्थकों को जुलाई 2006 में ग्रामीण लोगों के साथ एक लड़ाई झगड़ा हुआ। इस दौरान जब पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने आई तो इनके हजारों समर्थकों ने आश्रम में एकजुट होकर रामपाल तक पुलिस का पहुंचना मुश्किल कर दिया था। इस झड़प में दो लोगों की जानें भी गई थीं तथा कुछ अन्य लोग घायल भी हुए थे। रामपाल कई बार चर्चाओं में भी घिरे रहे। स्वामी दयानंद पर एक बयान दिया था, इस कारण आर्य समाज के समर्थकों और रामपाल के समर्थकों के बीच आश्रम के बाहर हिंसक वार्ता झड़प हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत होने की खबर भी आई थी। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने रामपाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके कारण उन्हें तकरीबन 2 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। 11 अक्टूबर 2018 को हत्या के 2 मामलों में हिसार कोर्ट द्वारा रामपाल को दोषी करार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। संत रामपाल के आश्रम से भारी मात्रा में कंडोम और अश्लील पुस्तक और फोटो भी पुलिस को बरामद हुआ था। रामपाल के आश्रम में चौंकाने वाले तहखाने और संदिग्ध महिला की भी मिली थी। रामपाल के कमरे से पुलिस को प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी प्राप्त हुआ था। इन सभी खुलासों के बाद बाबा रामपाल का पर्दाफाश हुआ और ख़त्म हुआ इंजीनियर से बने संत रामपाल का ड्रामा। दोस्तों, हरियाणा में संत रामपाल दास महाराज को लेकर कुछ ऐसा कोहराम मचा था कि स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ी थी। संत समर्थक और पुलिस बल आमने सामने हो गए थे। एक किसान के घर में जन्मे रामपाल की खातिर सैकड़ों लोग अपनी लाश बिछाने को तैयार थे। संत रामपाल की बाबा बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही उनकी गिरफ्तारी के बाद तहखानों से मिली सामग्री भी। हत्या के आरोप में रामपाल की गिरफ्तारी के बाद सतलोक आश्रम में घर
सर्च अभियान चलाया गया था तो वहां से करोड़ों रुपए की खाद्य सामग्री भी मिली थी, जिसमें 7000 किलो देसी घी, 100 कार्टून सरसों का तेल, 188 कार्टून पार्सल बिस्किट, 148 सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, 154 कटे मिल्क पाउडर, भारी मात्रा में आटा और चीनी आदि के अलावा तलाशी के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली चीज़ों का पता चला था। रामपाल का आश्रम किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं था, इसके अंदर स्विमिंग पूल, एलईडी टीवी से लेकर अस्पताल तक थे। सर्च के दौरान देशद्रोह व हत्या के आरोपी करीबपंथी बाबा रामपाल के बरवाला हिसार स्थित हरियाणा स्थित सतलोक आश्रम में महिला टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। इतना ही नहीं, कैमरे पर का मुंह भी टॉयलेट के अंदर की ओर था। रामपाल खुद सिंहासन पर बैठता था और लिफ्ट से मंच पर प्रकट होता था। 5 लाख का मसाजर भी उसके कमरे से मिला था। इसके अलावा रामपाल की निजी कक्ष में 6 सेविकाएं भी रहती थी। बरवाला के सतलोक आश्रम संचालक रामपाल की मुसीबतें तब और बढ़ गई थी जब हाईकोर्ट में उनके खिलाफ नरबली का आरोप लगाया गया था। दरअसल जिंद निवासी हरिकेश ने याचिका दायर किया, कहा था कि अगस्त 2014 में उनके बेटे का शव आश्रम में मिला था। आशंका है कि उसकी बलि दी गई है, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया था, जिस पर पीड़ित ने सीबीआई जांच की मांग भी की। रामपाल के पाखंड कृतज्ञ व दूध से नहाता था, फिर इसी से बड़ी खीर भक्तों को खिलाता था। रामपाल गिरफ्तारी से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन बच नहीं पाए। गिरफ्तारी से पहले आश्रम के बाहर हिंसा भड़क उठी थी और रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को समर्थकों व कमांडोज ने फायरिंग कर बाहर ही रोक दिया था। करीब 90 राउंड फायरिंग की थी और पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। इस हिंसा के में लगभग 75 पुलिसकर्मी और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इतना ही नहीं, 5 महिलाओं की मौत का दावा भी किया गया था। महिलाओं ने अपनी आपबीती में सुनाई थी कि वे दिन में गेट पर बैठते थे और रात को टॉयलेट में बंद कर दिया जाते थे। तो यह है हमारे देश भारत के विवादित संत रामपाल दास के विवादित संक्षिप्त जीवन कथा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिले। शुक्रिया।